जनकपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन ने संविदा कर्मियों को सामूहिक बीमा नियमित कर्मियों की तरह गोल्डन कार्ड की सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा कवच, कोविड-19 काल में जान गंवा चुके कर्मियों के परिवारों को उचित आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और वेतन विसंगति संबंधी आदि 9 सूत्रीय ज्वलन समस्याओं को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने संबंधित ज्ञापन फार्मासिस्ट जिला उपाध्यक्ष अमित जोशी के नेतृत्व में CMS के माध्यम से CMO चंपावत को देकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। विनोद पाल जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो आप हमारी इस प्रोग्राम में आए और हमारी बातों को जनता के बीच पहुँचाएंगे। हमारा 9 सूत्री मांग को लेकर एनएचएम की ओर से ज्ञापन दिया गया है टनकपुर अस्पताल CMS डॉक्टर HS अयांकी जी को, और उसमें हमारा चरणबद्ध तरीके से था। 22 से 27 तारीख तक हमने सरकार को मांगे दी थी, उसके बाद नहीं हुआ तो आज से हम 27 से 31 तारीख तक काला फीता बांध के आधे दिन काम करेंगे। उसके बाद 1 तारीख से समस्त एनएचएम कर्मी होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। 2 तारीख को ऊपर से जैसे आदेश आएंगे उस हिसाब से अग्रिमेंट की तैयारी की जाएगी।